ईरान से जुड़ी एक गोपनीय रिपोर्ट ने ऐसा जबरदस्त खुलासा किया है कि अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान एटम बम से कभी भी खौफनाक हमला कर सकता है। गोपनीय रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम बना लिया है जिसे वो हर महीने कम से कम 4 एटम बम बना सकता है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर को एक खुफिया अड्डे पर तैनात कर दिया है। ईरान के एटम बम से आखिरी युद्ध, क्या ईरान के एटम बम से दुनिया में आखिरी युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने इज़राइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है। अगर इज़राइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान डर गया है तो वो गलत साबित होने जा रहे हैं। अगर इज़राइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान इज़राइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत साबित होने जा रही है। ईरान मिडल ईस्ट में परमाणु जंग करने जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक तरह से कर दी है। जरा देखिए ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर IAEA ने क्या खुलासा किया है। ईरान का परमाणु बम निशाना इज़राइल। IAEA ने ईरान की तैयारियों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सीधे सीधे इज़राइल के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। IAEA की तरफ से जो गोपनीय रिपोर्ट UN में भेजी गई है वो हैरान करने वाली है। गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार के लेवल के करीब तक बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने वरामन और तुर्कोजाबाद में एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान लगभग 164.7 किलोग्राम यूरेनियम तैयार कर चुका है जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर तक लगभग पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद खुफिया तरीके से काम करवा रहे हैं। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि ईरान का पहला एटम बम अगर किसी देश पर सबसे पहले गिरेगा तो वो होगा यहूदी देश इज़राइल, जिससे ईरान बेहद नफरत करता है। انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فعلا صهیونیست ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن। इधर जब से ईरान की एटमी ताकत का पता इज़राइल और अमेरिका को लगा है दोनों ने ही ईरान से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि डिएगो गार्सिया आइलैंड से अमेरिकी सीक्रेट मिलिट्री बेस से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खतरनाक बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है ताकि इज़राइल को ईरान के घातक हमलों से बचाया जा सके।
इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अब हम दिखाते हैं कि इजराइल के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर को जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया से B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर 4,842 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर घातक बम और मिसाइलों से हमला करेगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले नहीं किए गए तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों और एटमी हथियारों से इसराइल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल का खुलासा करके अमेरिका और इसराइल के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल शहर मौजूद हैं जिसमें 2,00,000 से ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान इसराइल पर अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से हमला करने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने ऐसी सैकड़ों मिसाइलें पश्चिमी ईरान तक पहुंचा दी हैं जहां से इसराइल के शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा बल्कि ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल आयरन डोम के चीथड़े उड़ा देगी। इधर अमेरिका और इजराइल भी ये मान चुके हैं कि ईरान हमला करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि वो तेजी से अपने परमाणु बमों को बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त एटमी हमला करने के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इसराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इसराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इसराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इसराइल के वजूद के लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या इसराइल को खुद को ईरानी मिसाइल और एटम बम से बचा पाएगा? क्या अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए B-2 बॉम्बर को मास्टर स्ट्रोक मानता है? अमेरिकी बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ की रेंज 11,000 किलोमीटर है और जिस जगह उसको तैनात किया गया है वो एयरबेस ईरान से करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये बॉम्बर चाहे तो ईरान जाकर बम या मिसाइल गिराकर 4 से 5 घंटे में वापस अपने बेस में आ सकता है। डिएगो गार्सिया आइलैंड इसराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर में 80 छोटे और 16 परमाणु बम रखने की क्षमता है। ये 1.70 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है और इसका खुद का वेट 71,700 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 69 फीट है और इसमें 172 फीट लंबाई वाले पंखे लगे हुए हैं। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलता है। आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 230 किलो वजन के MK-82 और GBU-38 बमों को बॉम्ब रैक असेंबली में रखा जाता है। ऐसे 80 बम इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें B-61 और B-83 जैसे 16 न्यूक्लियर बम लगाए जा सकते हैं। भयानक तबाही के लिए इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी लगाई जा सकती है। साथ ही तबाही मचाने वाले 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला करता है तो ईरान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו.
כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. लेकिन यह भी सच है कि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों के विशाल भंडार में 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की मिसाइलें भरी पड़ी हैं। हाल में बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइल शहर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास 48 ऐसे बंकर हैं जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहां तक कि F-4 फैंटम जैसे लड़ाकू जेट हमला करने के लिए मौजूद। वहीं मिसाइलों के एक्सपर्ट्स कुलोई रियोटिस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से ज्यादा मिसाइलें किसी के पास नहीं है। मिसाइल एक्सपर्ट कुलोर रियोटिस ने यहां तक अनुमान लगाया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, जो इसराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। इधर हानिया हत्याकांड के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी कमांडरों को कसम खिला दी है कि इसराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 20 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इसराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इसराइल के लिए किसी कयामत से नहीं है। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा अमेरिका तक मानता है। ईरान खुर्रम शहर मिसाइल को इजराइल पर दागने की तैयारी में जुटा है। खुर्रम शहर मिसाइल पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर पहुंच चुकी है जहां से यह मिसाइल इजराइल पर दागी जाएगी। खबरों में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल से कम 10 शहरों और वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, अश्केलो, बेत शोआन, केफर सावा, रेजोवोर, रमाला, अफुला, बरशेबा, बेशेरबा, हरजलिया और खुर्रम शहर मिसाइल से हमले कर सकता है क्योंकि खुर्रम शहर मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को दबा कर सकती है। ऐसे में इजराइल पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ईरान अपने एटमी हथियारों और खुर्रम जैसी मिसाइलों से एक साथ हमला इजराइल पर कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका इजराइल को B-2 बॉम्बर से बचा पाएगी।